स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत फोकस। कोरोना महामारी के वजह से देश भर में कई ऐसे मजदूर हैं जो वहीं फंस कर रह गए हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो अपने गृह राज्य में वापसी कर रहे हैं, जिनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलवाई गई है। लेकिन कुछ मजदूर पैदल चलकर अपने घर की ओर आ रहे हैं तो कुछ साइकिल चलाकर अपने घर पहुँच रहे हैं। इसी दौरान बिहार के दरभंगा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 13 साल की बेटी ज्योति कुमारी ने रिकॉर्ड 1000 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर घर पहुंचने का पूरा किया है। ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से अपने घर दरभंगा के लिए निकली। इस दौरान रास्ते में कई तरह की परेशानियां भी हुई, लेकिन हर बाधा को दूर करती हुई ज्योति हिम्मत नहीं हारी। कई बार ज्योति को खाना भी नहीं मिला, रास्ते में कहीं किसी ने पानी पिलाया तो कहीं किसी ने खाना खिलाया, लेकिन तब भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। दरभंगा पहुंची ज्योति ने बताया कि पिता गुरुग्राम में किराए पर ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसी बीच कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया, अब ई रिक्शा नहीं चल रहा था, जिससे कमाई ठप हो गई थी। वहीं ई रिक्शा मालिक किराए के पैसे देने के लिए लगातार दबाव बनाने लगा था। मकान मालिक ने भी रूम छोड़ने के लिए कह दिया था। ज्योति ने बताया कि ऐसे में उसके पास साइकिल के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था जिससे वह अपने घर आ सके। दिल्ली में ये परेशानी थी कि मेरे पास रूम था, रूम किराया था नहीं था, रूम बना रहा था और खाना खर्च के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे पापा को एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा को बोले चलिए घर हम ले चल रहे आपको साइकिल से, और 500 रुपया उधरे का था तो वही से साइकिल खरीद के फिर लेके आया साइकिल पापा को। 8 दिन लगे आने में, एक दिन में 30-40 चलाते थे हम साइकिल, वही 1200 सही था सबका। लेकिन वहाँ दिल्ली सब में खाना खर्च सब दिया, खाना वाना खाए हुए, फिलहाल घर पे आए यहाँ तो फिर मम्मी मेरी खाना आने के लिए तो खाए। काफ़ी है बच्चे ने हमको घर तक लेके आया, लेकिन वहाँ हमारे पास में बड़ी मजबूरी थी, एक्सीडेंट हो चुका था तो वहाँ पे हम इलाज के लिए थे। काफ़ी दबाव दे रहा था जी कमरे किराया दो, कमरे किराया दो। हम लोग बोले थे ये लॉकडाउन खुलेगा तो जी कमा के दे दूंगा। बच्चे बोला जी पापा क्या करोगे, कहाँ रहोगे, किस जगह पे रहेंगे, फुटपाथ पे भी तो रह नहीं सकते, तो साइकिल लिए। साइकिल से मेरे बच्चे को मैं बोला जैसे देखो बेटा 10-20 किलोमीटर तो है नहीं, तो तू हिम्मत दे रहा है, तो बोला जी नहीं चलो किसी तरह चलेंगे पापा, बारी बारी से रुक रुक के चलेंगे। ज्योति ने बताया कि उसने पापा को साइकिल पर बिठाकर 10 मई को गुरुग्राम से चलना शुरू किया और इस शनिवार 16 की शाम को घर पहुंच गई। इस दौरान उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो कुछ लोगों ने मदद भी की। ईश्वर की कृपा है कि हम लोग घर तक पहुंच गए। वहीं गांव पहुंचने पर लोगों ने इस बच्ची के हौसले की प्रशंसा की। लोगों ने दोनों पिता व बेटी को गाँव स्थित एक पुस्तकालय में रखा जहाँ दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद 14 दिन के लिए दोनों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बिहार हमेशा ही इस तरह की बेटियों से गौरवान्वित महसूस करता है और एक बार फिर ज्योति को बिहार सलाम करता है। इस तरह की बेटियां हमारे भविष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।